नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा तो सब्जी मंडी ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। भीषण गर्मी के बीच सब्जी मंडी का क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ ट्रेडिंग है, और आपको बता दें कि आज एक तरफ जहां तापमान ने लगातार तेजी पकड़ी है, वहीं आज टमाटर भी सब्जी मंडी में ही तेज हो चुका है। क्या कुछ अपडेट्स है, सारी जानकारियां हमारे साथ मोहनी जी जुड़े हैं, मोहनलाल मोहनी जी, और इनसे पूछेंगे, पूरे रेट की जानकारी इनसे लेंगे, क्या कुछ रेट्स है। मोहनी जी, पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मोहनी जी, गर्मी का मौसम है, क्या कुछ माहौल सब्जी मंडी का है? सब्जी मंडी का माहौल ऐसा है कि कम आने से टमाटर, दो दिन से कम आने से आज टमाटर का रेट बहुत ऊंचा हो गया। पहले 500 रुपया करेट था, 600 था, आज 900 रुपया करेट, 900 रुपया करेट बिका है। इस करेट में कितनी मात्रा रहती है? 22 किलो 23 किलो 24 किलो 22 23 24 किलो। हाँ जी, यानी कि आज जो रेट है वो 33-34 के आसपास। हाँ जी, 33-34 के आसपास पहुंच गया है। तो ये एकदम से जो उछाल यहाँ पर आया है, आने वाले दिनों में क्या लगता है कि और कहीं महंगा तो नहीं हो जाएगा ये? नहीं नहीं, महंगा तो नहीं होगा, ऐसी बात है, और निकल जाएगा, क्योंकि गर्मी के कारण, थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण ना जो सामान है ज्यादा निकल रहा है। वैसे तो टमाटर जरा कम आया जी, और जगह टमाटर की फसल ज्यादा कम है। गर्मी आज लहसुन के क्या रेट है जी? लहसुन 25 रुपए से लेके 40-50 रुपए तक है। 50 रुपए। और एक चीज जो सबसे यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिखाई दे रही है वो नींबू है जी। यहाँ पर नींबू के क्या कुछ दाम है आज? नींबू 100 रुपया किलो से लेके 120 रुपए किलो है। नींबू वैसे तो नीचे आ चुका है कुछ? हाँ जी। तो अभी अगर बात करें यहाँ पर इसके अतिरिक्त प्याज के क्या हाल है जी आज? प्याज 14 रुपए से लेके 18 रुपए तक है। 14 से 18 रुपए। तो आने वाले दिनों में क्या इसके बस में कोई बदलाव होने की उम्मीद है? नहीं, अभी तक तो थोड़ा ऐसे ही रहेगा जी, 5-7 दिन 10 दिन तो ऐसे ही रहेगा, उसके बाद तेजी आएगी, ऐसी बात नहीं है। आलू के क्या दाम है मुनी जी? आलू भी तेज हो गया, पहले 500 रुपया कट्टा था, अब 700 रुपया कट्टा हो गया ज्योति का। ओके, ये अभी नई फसल भी कई जगह में हाँ निकल रही है जी, तो नई फसल निकल रही है, इसीलिए बा जे 11-12 रुपए किलो, 13 रुपए किलो बा का है, नई फसल के कारण ही। नई फसल के कारण ही। अगर इसके अतिरिक्त अन्य सब्जियों की बात करें तो गोभी आ रही है जी? गोभी आ रही है, कुंडू से भी आ रही है, कुछ लोकल भी आ रही है, 40-50 रुपए किलो का भाव है गोभी का। ओके, और खीरे के क्या दाम है जी? खीरे के दाम मंदे ही है, खीरे आजकल 5 रुपए किलो से लेके 8-10 रुपए किलो है। ये देखा जा रहा है कि जगह जगह खीरे के ढेर लगे हुए हैं, पैकेट पड़े हुए हैं, क्या खीरा? हाँ जी, खीरा, घिया, कद्दू, ये तीनों चीज मंदी है। तार के क्या हाल है जी आज? तार भी, तार कम में आती है, कम में बिकती है, 18-20 रुपए किलो है तार का बात हो। मुनी भाई, हरी मिर्ची के क्या हाल है? हरी मिर्च 20 रुपए किलो, 25 रुपए किलो, 20-25 रुपए किलो। हाँ जी, 30 रुपए किलो। मूली भी यहाँ पर हमारे बीच सब्जी मंडी में है आज। मूली नहीं आती अच्छी, मूली तो लोग बता रहे हैं 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो मूली का भाव, किसी के पास है वो जिमीदार कहता है जी मैंने तो 40 देनी है, 50 रुपए देनी है, ऐसे मूली कम में ही आ रही है, अच्छी नहीं आ रही मूली। पत्ता गोभी की क्या हाल है जी आज? पत्ता गोभी आज बिकी है 12 रुपए से लेकर 18 रुपए तक। और टिंडे के दाम? टिंडे के दाम है जी कोई 18-20 रुपए किलो, 18-20 रुपए किलो। और कद्दू के क्या हाल है जी आज? कद्दू 6-7 रुपए, 10 रुपए तक है, 6-7 रुपए। अरबी आ रही है जी, अरबी के क्या हाल है? हाँ जी, अरबी हैगी जी 35-40 रुपए किलो। अरबी में तेजी आई है ऐसा क्या? हाँ जी, अरबी पीछे से अभी शुरू नहीं हुई है ना, कम आ रही है अभी तो। ओके, और लौकी आ रही है जी? लौकी के क्या दाम है? लौकी के 5-4 रुपए दाम है। लौकी और घिया के हाल खराब है ऐसा? हाँ जी, लौकी घिया वो गर्मी के कारण ज्यादा निकलता है ना, मुसलमानों का जो सामान है ये ज्यादा निकलता, खीरा, जो राई परिवार है। हाँ, राई परिवार है। हाँ जी, और घी के क्या दाम है जी आज? घी के भी 5 रुपए किलो, 4 रुपए किलो, 5 रुपए, 6 रुपए किलो, यही दाम है। भिंडी के क्या हाल है जी आज? भिंडी हमारे साथ दिनेश ठाकुर जी जुड़े हैं, वो भिंडी 15-20 रुपए तक है। राम तोरी आ गई है जी? हाँ, राम तोरी कम में आती है, 25 रुपए किलो। हाँ जी, ये अभी जो आने की क्या उम्मीद है कि ये सब्जी कब तक राम तोरी वगैरह लोकल काफी चलती जब है? तक बारिश नहीं पड़ेगी जब तक चलती रहेगी। ओके, और ये अदरक के क्या हाल है जी? अदरक तेज है, अदरक 60 रुपए किलो, 45-50 रुपए किलो बोरियां है, थैली 10 किलो की थैली है, 55-60 रुपए किलो है। शिमला मिर्च आ रही है जी? हाँ जी, शिमला मिर्च आ रही है। क्या दाम है जी इसके? 18-20 रुपए किलो
पैकेट है 20 रुपए हाँ जी थोक में थोक में। और फ्रांसबीन, फ्रांसबीन 40-50 रुपए किलो है, 40-50 रुपए किलो। हाँ तो आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ने वाली है। अभी ऊना के टेम्परेचर की बात करें मोनी जी, 44 डिग्री सेल्सियस पिछले कल रहा है, आज भी उम्मीद यही है कि तापमान और बढ़ जाएगा। तो क्या उम्मीद आप लगाते हैं कि इससे ट्रेडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर मानते हैं इसका कारोबार पर? असर जो सब्जियां है इधर की राइयों की है वो तो ज्यादा ही गर्मी के कारण तो निकलती रहेगी जी। बाकी टमाटर कम हो जाता है कि गर्मी के कारण टमाटर पिघल जाता कुछ ना, पक्का हो जाता, पक जाता। एक बनी जी जुड़े हैं, मिस्टर बनी ये कह रहे हैं कि प्याज का थोक का भाव क्या है यहाँ पर? प्याज का थोक का भाव है 15 रुपए किलो से 18 रुपए किलो। ये कह रहे हैं कि इनके पास 7500 किलो प्याज जो है वो बेचने के लिए अभी पड़ा हुआ है। हाँ जी, तो इनके साथ आपका कॉन्टेक्ट बनी जी, आप अपने कमेंट में अपना नंबर जरूर लिख दीजिएगा ताकि आपका नंबर यहाँ पर हम शेयर कर सकें। तो फूल गोभी बता दीजिए एक बार फिर से, चंद्रशेखर शर्मा जी पूछे जी। फूल गोभी बस 40 रुपए किलो, 40-45 रुपए किलो है। अरुणीम जी फलों की तरफ जरूर घूमेंगे, थोड़ी देर में सारे फलों के रेट आपके साथ अपडेट करेंगे, तब तक आप टीम को जरूर शेयर कीजिएगा सारी जानकारी जो है इसमें बताई गई। लहसुन के क्या हाल है जी आज? लहसुन बस आपको बताया 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो, 40 रुपए, 40 रुपए किलो। तो और कोई सब्जी जो अभी नई मार्केट में आई हो? नई मार्केट में सब्जी तो बस पालक आ रही है जी, पालक आ रही है, पालक 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। और हरा धनिया? हरी धनिया बेकाजी आज गर्मी के कारण कम हो गया, हरा धनिया 100 रुपया किलो थे, 150 रुपया किलो तक बिक गया आज। पुदीने का सीजन गर्मी माना जाता है कि गर्मी के सीजन में पुदीना बहुत निकलता है, तो पुदीने के क्या रेट है? पुदीना कोई 50 रुपए से लेके 80 रुपए 100 रुपए किलो तक है, पुदीना सस्ता। हाँ जी पुदीना सस्ता है, पुदीना सस्ता है। हाँ जी पुदीना बहुत निकलता है, हर जगह घर में लगा होता, किसी के बाहर में लगा, सभी के जहाँ पुदीना आजकल बहुत निकलता है। बैंगन के रेट एक बार अपडेट कर दीजिए जी। बैंगन के रेट है 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक। संदीप भास्कर जी पूछ रहे हैं कि हरे मटर का क्या दाम है? हरे मटर का 60 रुपए किलो दाम है, 55-60 रुपए किलो दाम है। ये कहाँ से आ रहा है मोनी जी? कुल्लू से ही आ रहा है, कुल्लू से ही आ रहा है। तो अभी जो है वो फलों के दाम आपके साथ अपडेट करेंगे। तरुण औरी जी यहाँ पर हैं, तरुण जी हमारे साथ जुड़ेंगे और फलों के दाम जो है वो आपको सारे बताए जाएंगे क्योंकि फ्रूट्स के एक्सपर्ट तरुण औरी जी यहाँ पर हैं। तरुण जी पहले तो लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तरुण जी गर्मी का मौसम तेज हो चुका है, फलों के दामों में क्या कुछ चेंजेस है, क्या कुछ हाल है? फल अब काफी चल पड़े हैं, थोड़े बाजार मंदे हुए हैं फलों के, आम सेब अंगूर संतरा ये सब रेट थोड़े थोड़े गिरे हैं पहले से। आम के क्या दाम है? आम दो तरह का आता है भाई, एक ब्रंगल का आता है उसका थोड़ा तेज होता है रेट, बढ़िया माल होते हैं वो बिक रहे हैं 70-75 रुपए किलो, और जो दूसरे हैं वो बिक रहा है 60-65 रुपए किलो। 60-65 रुपए किलो। सेब के रेट एक बार अपडेट कर दीजिए, सेब का क्या हाल है आज? सेब मंदा है बाजार इसका, किन्नौर का सेब है ये भाई जी। हाँ ये बिक रहा है 100 रुपए किलो से लेके 110 रुपए किलो तक मंडी में। मंडी में हाँ जी। बाहर थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा होगा? बाहर ज्यादा होगा। अंगूर बहुत बढ़िया साइज का आ रहा है जी, ये क्या इसका दाम है? अंगूर स्टोर का है भाई, ये 4 किलो का डिब्बा है 425 रुपए का। अच्छा, और इधर ये क्रेट है 10 किलो वाले जी। ये बिक रहा है 700-750 रुपए 10 किलो। तो ये क्या चीज है यहाँ पर? ये बादाम है, हरा कच्चा बादाम। कच्चा बादाम? हाँ जी। कच्चा बादाम तो आजकल वैसे भी भारत में फेमस है, फेमस है, फेमस है गीत के कारण। तो आम के दाम एक बार फिर से अपडेट कर दीजिए जी हमारे साथ। आम भाई 60-65 रुपए किलो से लेके 80 रुपए किलो तक है। खरबूजा क्या दाम है जी आज? खरबूजा 10-12 है जी, जो मधु व्हाइट वाला, व्हाइट वाला। और दूसरा कजरी खरबूजा है जो वो 30 रुपए किलो है, लाल धारी वाला, लाल धारी वाला। हाँ जी। तो इसके अतिरिक्त वाटरमेलन तरबूज के क्या दाम है जी? 8-10 रुपए है जी। 8-10 रुपए। तो तरबूज की जो अभी आमद है वो कहाँ से हो रही है तरुण जी? ये लोकल भी आ रहा है जी बाहर, ये पंजाब से आ रहा है अपना कपूरथला से, और लोकल यहाँ का भी बहुत होता है, लोकल यहाँ का भी चल पड़ा है यानी। हाँ जी हाँ जी चल पड़ा है। तो अभी आने वाले सीजन में कब तक ये तरबूज का सीजन और खरबूजे का रहने वाला है? अभी 1.5 महीना और चलेगा जी पंजाब का, पंजाब का ही। हाँ जी। और इसके अतिरिक्त कीवी के क्या हाल है जी आज? कीवी थोड़ा बाजार तेज है जी, 650 रुपए की ट्रे है। और यहाँ पर पपीता भी दिख रहा है क्रेट्स में झांकते हुए, क्या दाम है जी पपीते के? पपीता बिक रहा है जी 40 रुपए, 40 रुपए किलो है। हाँ जी। और इसके अतिरिक्त फलों में अगर हम बात करें यहाँ पर तो
हमारे पास हमारे बीच यहाँ पर संतरा वगैरह भी है, ये क्या दाम? हाँ जी, संतरा ये साइज के हिसाब से बिकता है इधर ना, संतरा 90 रुपए किलो, 70 रुपए किलो से लेके 90 रुपए किलो तक है। ओके, और मौसमी की क्या हाल है जी? मौसमी भी महंगी है, गर्मी आपको पता ज्यादा पड़ रही है, 70 हाँ जी, हाँ जी 70-75 रुपए किलो है मौसमी। 70-75 रुपए किलो। अनानास आ रहा जी? हाँ जी अनानास आ रहा है, 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो है। ये कहाँ से अभी आ रहा है जी फिलहाल? ये सिलीगुड़ी से आता है, पर यहाँ हमारी मंडियों में दिल्ली से या बड़ी मंडियों जैसे जलंधर चंडीगढ़ इधर से आ रहा है। पैदावार इसकी सिलीगुड़ी मानी जाती है कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में इसकी ज्यादा पैदावार होती है। तो रेट सारे आपके साथ अपडेट कर रहे हैं, सीम को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसके अतिरिक्त जो भी नाइस प्राइस आबिज फर्ज खान पंजाब से हमारे साथ, ये पाकिस्तान से हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। आड़ू आता है जी क्या मार्केट? हाँ जी आता है, आड़ू आया हुआ था, 50 रुपए किलो बिका है, जो बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी का है वो जी, और जो लो क्वालिटी में वो बिका है 30-35 रुपए। तो ये जो क्वालिटीज है ये कहाँ कहाँ से दोनों आ रही है तरुण जी? ये अपना पंजाब का आ रहा है, अम्बोर से, पठानकोट से, आड़ू इधर से होता है जी, पंजाब से। जी 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 जी। तो इसके अतिरिक्त फलों में और क्या क्या यहाँ पर है जी? आम है ज्यादा, तोतापरी आम की वैरायटी है जी, संतरा, सेब, अनार महंगा है थोड़ा। अनार में क्या दाम है जनाब? अनार 1600 रुपए का डिब्बा है जी। 1600 रुपए का? हाँ जी। ये अगर एक महीना पहले की नजर दौड़ाए तो 700-750 था। हाँ जी 700-750। इतनी तेजी क्यों? वो पीछे फसल है नहीं ना, अब स्टोर का माल चल रहा है, ये स्टोर का माल चल रहा है। तो अभी अनार की फसल कब तक आने की उम्मीद है जी? अभी अगले महीने से शुरू होगी, अगले महीने से। एक चीज यहाँ पर जरूर आपसे पूछना चाहूंगा, हालांकि माल यहाँ पर बहुत दिख रहा है लेकिन वो ट्रेडिंग उस हिसाब से नहीं दिख रही, क्योंकि डबल मंडी भी है आज, तो ऐसा क्यों तरुण जी? माल की आवक ज्यादा है। आवक ज्यादा है? हाँ जी। और निकासी कम हो रही? निकासी है, कम हो रही है। उम्मीद करेंगे कि तमाम जो आपका ट्रेडिंग है वो जरूर बराबर आएगी, और सभी लोग जरूर, चाहे वो किसान हो चाहे वो कारोबारी हो, सबकी मंदी जरूर चटेगी। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी का स्वागत, अंकुर शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, शक्ति शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके अतिरिक्त मिस्टर बनी और दीक्षित कौंडल जी, आप सभी का स्वागत लाइव टाइम टीवी के लिए ऊना की सब्जी मंडी से। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।